अभी तो 2024 में मोदी और आगे 2029 में योगी आएगा। योगी धारा 370 के बारे में मोदी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता था, इन्होंने हटवाई आके। योगी जी ने जो कर दिया ना, कोई मुख्यमंत्री ना अखिलेश यादव कर सका था ना मायावती कर सकी थी। आप देखो 2014 में सिलेंडर की लाइनें ऐसे लगती थी, ऐसे लगती थी, तब भी सिलेंडर नहीं मिलता था, बोलते थे खत्म हो गया, चलो कल मिलेगा, कल मिलेगा। आज घर पे आते हैं सिलेंडर बदल के जाता है सिलेंडर देख। वो जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारा गलत हो रहा है, वो विपक्ष पार्टी के खड़े हुए मुद्दे हैं। अब आप देख लो, जो अमेरिका पहले मोदी को वीजा नहीं दे रहा था, आज कितनी बार बुलाया, 18 बार बुला चुका है। कुछ नहीं होना जी, यूसीसी बीसीसी कुछ भी आ जाए, कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि वो बंदा पहले शेर है और शेर था शेर रहेगा। कोई भी नहीं है, झाड़ू पोछे वाले ना घरे रहने दो, ये झाड़ू पोछे वाले घरे रहने दो, जिसे देश संभालना वो संभालना है, उन्हें संभालना ही है। जब नया SHO आते हैं ना तो चोर भाग ही जाते हैं, रहने सकती हो जाएगी। वो जो जातिवादी वाली करता है ना, चाहे मोदी आ जाए, चाहे भगवान श्री राम क्यों ना खड़े हो जाए, वो उनको भी गलत बता देंगे। कुछ भी विपक्ष में कहीं भी पे भी कुछ भी हमारे देश की बुराई करता है, बाहर कहीं भी जाएगा, किसी भी कंट्री में जाएगा तो हमारे देश की बुराई करता है। हमारे जिस PM की, जिस नरेंद्र मोदी की वजह से आज इंडिया का पर्चा बुलंद है, सब जगह पे आज देखा जाता है कि हाँ नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं, वहाँ उस मोदी की बुराइयां करता हुआ मिलेगा हर जगह पे वो राहुल। ऐसे परचम का क्या फायदा जब देश की जनता परेशान हो, कह रहे बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या 10वीं पास बच्चे को सरकारी नौकरी लगा दी जाए क्या? आप देखो 2014 में सिलेंडर की लाइनें ऐसे लगती थी, ऐसे लगती थी, तब भी सिलेंडर नहीं मिलता था, बोलते थे खत्म हो गया, चलो कल मिलेगा, कल मिलेगा। आज घर पे आते हैं सिलेंडर बदल के जाता है सिलेंडर देख। विपक्ष की बात करें तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर? कोई भी नहीं है। एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को 100 की सीटों पर कैसे होंगे कैसे? उन सारे चोर हैं, एक भी ऐसा चेहरा कोई बताओ, कोई भी ऐसा एक चेहरा बताओ कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष में आके खड़ा। नीतीश कुमार हुए, अरविंद केजरीवाल, मोदी, अभी तो 2024 में मोदी और आगे 2029 में योगी आएगा। योगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, विपक्ष कह रही है नहीं आना, बिल्कुल आना चाहिए। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष का काम क्या है? वो तो हर चीज में, अभी आपने देखा होगा राम मंदिर के लिए उन्होंने मना किया कि नहीं बनना चाहिए। अरे क्या क्या, वो हर चीज के लिए तो 370 हटो, उसके लिए क्या क्या बोला गया था? 60 साल हो गए कांग्रेस को काम करते हुए, आज तक काम क्या करा? हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते करा क्या उन्होंने? कुछ नहीं करा। जो करा हमारे समय में महंगाई कम थी मैडम, उनके टाइम पर तो 400 रुपए किलो प्याज भी पहुँच गई थी, सिलेंडर आराम से मिल जाता था। बीजेपी के नेता आज एक फोन करो, 2 मिनट के अंदर सिलेंडर वाला लेकर आता सिलेंडर को। दुकानदार के कर्मचारी की तनखा पहले 400 रुपए थी, सिलेंडर कम का था, आज दुकानदार के कर्मचारी की तनखा 14,000 है, 15,000 है, महंगाई हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आप किसे चाह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बने? और दूसरा कौन है आप बताओ? हमारे पप्पू के अलावा कोई नहीं है, बस राहुल गांधी को कह रहे हैं वो ही बनेगा जी, पप्पू जिंदाबाद, वही बनेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि वो बनेंगे भी, अच्छा एक तरफ कह रहे हैं कि वो बनेंगे भी प्रधानमंत्री, और एक तरफ मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन कोई टक्कर नहीं देगा क्या? है ही नहीं टक्कर पे मुकाबला, विपक्ष एकजुट होने की बात, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोई बैठक हुई पटना में, पटना के बाद अब शिमला में बैठक की तैयारियां की जा रही है। बैठक कहाँ हुई है? तो झगड़ा हुआ है वहाँ, तो झगड़ा नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं उसकी टांग खींचूंगा, वो कह रहा है मैं उसकी टांग खींचूंगा। वो केजरीवाल जी क्या कह रहे थे वहाँ पर? केजरीवाल ने क्या कहा? जब तक हमारे उसके ये जो अध्यादेश आया है, इसके अगर जो इसके पक्ष में आप नहीं बोले तो हम आपका साथ नहीं देंगे, बात खत्म। ऐसे में तो लड़ाई तो अभी से शुरू हो चुकी है, कांग्रेस भी लड़ाई शुरू कर चुकी है और आम आदमी पार्टी भी लड़ाई शुरू कर चुकी है, तो इनका विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं होगी, ये कहते हैं मोदी हटाओ, इनका लक्ष्य मोदी हटाओ। मोदी जी ने 3-4 काम करे, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 रही, इन दो कामों में से ये बताएं कि ये काम चालू रखेंगे या हटा देंगे? ये बताइए कि जनता का इन दोनों कामों से क्या भला हुआ? जनता का क्यों नहीं भला हुआ? वहाँ पर कितना हमारा हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ा है, इस मामले में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हिंदुओं का जो स्वाभिमान है वो जमीन से उठ के आसमान तक पहुँचा है इस मामले में। धारा 370 के बारे में मोदी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता था,
इन्होंने हटवाई आके, तो क्या भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ा होगा? पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी है, फिर वो ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? कह रहे तो अच्छी सरकार चला रही है। कोई अच्छी सरकार नहीं चला रही। क्या खराबी नजर आ रही है भगवंत मान? उसने कुछ नहीं, जो उसने मानने वादे किए थे वो कुछ भी नहीं कर रहा। कौन से वादे पूरे नहीं कर? कुछ भी नहीं किया उसने, एक लाइट फ्री की है फिर बस उसने, और कुछ नहीं किया। कह रहे हैं कि लाइट फ्री तो दिल्ली में भी है, दिल्ली की जनता पसंद कर रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वो पीछे लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को लेने वाला कौन था राजनीति में? कौन था? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को पूछता नहीं है वो। अच्छा दिल्ली में रहते हैं आप, दिल्ली के अध्यादेश के बारे में जानते होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कलह चल रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ नहीं दे रही है अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने। कांग्रेस का तो नाम ही भूल जाओ, उसका तो मलिया मेट हो गया है, वो तो कभी आ भी नहीं सकती। दो हजार, मैं हिक पे जोर पे कहता हूँ, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, मोदी नहीं आएंगे तो फिर अपना जोगी जी आएंगे। जोगी जी ने इतना सुधार कर दिया यूपी में, गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया, बुलडोजर चला दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए तब से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिए, हाथ में ले लिया, उनकी मतलब ही कोई नहीं वहाँ पे। जोगी जी ने जो कर दिया ना, कोई मुख्यमंत्री ना अखिलेश यादव कर सका था ना मायावती कर सकी थी। अगर एकजुट हो जाएंगे तो इन दोनों को ही समेट, एकजुट भी हो जाए तभी भी कुछ नहीं उखाड़ सकते इनका। और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अंकल जी से जानेंगे, आप किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी, मोदी जी सारे राक्षस, सारे राक्षस इकट्ठे हो गए थे सारे, किशन जी ने फिर मार गिराया। तो वही यार, क्या कहना चाह रहे हो इस बार? क्या कहना? कह तो दिया साहब कि सब मरेंगे ऐसे ही बेमौत, पूछने वाला हिमायत ही नहीं मिलेगा कोई। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा सके। कैसे मारेंगे? चोर चोर मुसेर भाई हुए हैं कभी? चोर चोर मुसेर भाई, कौन सा एक आदमी बता जो नेता इस पे एलिगेशन ना लगा हो? कोई बीजेपी के नेताओं पर भी तो एलिगेशन लगे हुए हैं, थोड़े कम है ये, ज्यादा बदमाश थे पहले, जब ये तो भाग गए और आगे भाग जाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, अध्यादेश ला दिया गया है, आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, सभी पार्टियों का समर्थन मांग रही है, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, क्या कारण लग रहा है? कारण तो साफ ये है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते, बने कौन? दुल्हन एक और आदमी बहुत है कि मेरे दुल्हन जैसे, जैसे कि हमारे उसमें धनुष तोड़ने सारे राजा पहुंचे थे, मगर तोड़ा किसने? राम जी ने ही तोड़ा ना, तो ऐसे हम उसको मानते हैं। मोदी जीत के आए, विपक्ष की और जय भोले बाबा की। विपक्ष कह रही है, विपक्ष की जब एकजुटता की बैठक हुई थी उस दौरान ये कहा गया था कि कांग्रेस का ही लीडर बनेगा जो मोदी को टक्कर देगा। क्यों बनेगा? कहाँ खानदानी रीत चली आएगी क्या? अब तक नहीं बने तो क्या उसकी शादी तो हुई नहीं है, दूसरों को झांकता फिर शादी की बात तो छेड़ दी ना विपक्षी बैठक में, कह रहे दूल्हा बनिए बराती लेकर आएंगे। तो दूल्हा बनेगा, दुल्हन आएगी जब भी तो बनेगा, आएगी तो क्या बनेगा? दुल्हन नहीं आएगी, मोदी जी को टक्कर क्या कोई नहीं दे सकता? आप मुझसे पूछो, आप ही बता दो कौन है इसके टक्कर में दूसरा आदमी। मेरा तो सवाल ही आपसे पूछने का है। अच्छा ये बताइए नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल? जो एक्सीडेंट मुझे पता ही नहीं है, मेरे राज्य में नहीं है। भगवत सिंह मान है, दारू पिए रहता है पड़े, तो ऐसे नेता बनेंगे तो क्या होगा हमारा आगे? और विपक्ष में और चेहरे भी तो है, ममता बनर्जी हुई, अरविंद केजरीवाल हुए। ममता बनर्जी तो हिंदुओं को मरवा रही है ना, सरेआम हिंदुओं को मरवा रही है ना, सरेआम हिंदुओं को मरवा रही है ममता बनर्जी, तो क्या को सपोर्ट करने का क्या कारण नजर आ रहा है? पहले हमारे देश में जब कोई जाता था रिप्रेजेंटेटिव तो प्रोटोकॉल लगती थी, इंडिया बोला पीछे आए हुए, अब जाते मोदी तो पहले अध्यक्ष बनते हैं, वहाँ पर वीआईपी स्टेज पे बुलाया जाता है जब हेलो हाई होती है। अब आप देख लो, जो अमेरिका पहले मोदी को वीजा नहीं दे रहा था, आज कितनी बार बुलाया? 18 बार बुला चुका है। लेकिन तमाम जनता और विपक्षी पार्टी के समर्थन तो ये कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी बाहर जाते हैं तभी तब ये बात आती है, लेकिन जनता की तो पहले सुन लीजिए, बाहर जाकर तो बाद में देखिएगा। जनता की क्या सुने? महंगाई बेरोजगारी, घर में अपने घर में एक बाप होता है, छह बच्चे होते हैं, किसके सुने? जो लायक होगा सुने, जो नालायक होगा क्या सुनेंगे? मतलब लायक नहीं, लायक नहीं नजर, कौन लायक नहीं नजर? बाहर देश वाले कोई मानते थे उसको? ये कितने बार गया प्रदेश, अमेरिका कोई भी देश में? कहा जा रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लायक नहीं विपक्ष में, कोई लायक, कोई लायक नहीं है देश की होते अब तक प्रधानमंत्री बनते छह छह बार। तो मतलब नहीं बनना चाहे, बनना चाहिए, बनना चाहते हैं सारे ही। वो दुल्हन वही पिया मन भाई, तो दुल्हन बने कौन किसके? जब विपक्ष एकजुट हो जाती है तो क्या लग रहा है कि कौन सा चेहरा ऐसा नजर आएगा? हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री पीएम के, इनके झगड़े, पहली बात तो ये आएंगे नहीं, अभी झगड़ा इनका ही होगा।
यूसीसी पर बात करते हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने एजेंडा ला दिया है यूसीसी का, यूसीसी लाकर क्या लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा। कैसे फायदा होगा? सब हम एकजुट होंगे, यूनिटी आएगी, सब बढ़ेंगे। मुस्लिम संगठन तो विरोध करते नजर आ रहे हैं, वो करेंगे तो करें, उनका काम करना ही है, उनका काम करना है, करेंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तो छटक जाएगा। अब कौन से आ रहे हैं हमारे पास? वो कांग्रेस को जा रहे थे पहले, कौन से आ रहे थे? वो कांग्रेस के थे, केजरीवाल के। तो मतलब हिंदुत्व की पार्टी पूरी तरह से बीजेपी बन चुकी। यदि हम सब हिंदू एक हुए तो जरूर आएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनेगा, ये तो 2023 आंदो, अभी राज्यसभा में हमारा आंदो, ये 2-3 रेगुलेशन पास ही हो जाएंगे। एक बहुमत, एक देश एक कानून, मतलब यूसीसी आ जाएगा, आ जाएगा। राज्यसभा में हमारा आया नहीं, बहुमत काम हुआ नहीं, पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, यूसीसी के खिलाफ भी एकजुट हो जाएगा। ऐसा मैडम, जब नया SHO आते हैं ना तो चोर भाग ही जाते हैं, रहने सकती हो जाएगी। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी किसे देखना चाहेंगे PM पद पर? है जी, आ रहा है हमारा मोदी जी, और क्या, अभी भी है, अभी भी है। क्या काम, क्या काम पसंद नहीं आया? विपक्ष तो तमाम सवाल खड़े कर रही है, तानाशाही सरकार चला रही है। चोर तो कहवे कि हमने चोरी ना करी, वो तो सारे एक जैसे ही हैं। बाकी झुंड में सुअर या मैं, शेर तो कह रहे नाचरा जाना चरा। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नजर आ रहा जो मोदी को टक्कर देगा? कोई भी नहीं है, झाड़ू पोछे वाले ना घरे रहने दो, ये झाड़ू पोछे वाले घरे रहने दो, जिसे देश संभालना वो संभालना है, उन्हें संभालना ही। यार देश की जनता त्रस्त है, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं करती है बीजेपी। किसकी? बीजेपी। बीजेपी तो इतना कुछ दे रही है कि उनके घर से जा रहा है। महंगाई क्या मतलब, कोई और आ जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी? कांग्रेस के राज में तो महंगाई कम थी नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठ है। बिहार नहीं संभाल पा रहे तो यहाँ क्या संभालेंगे? दुनिया की जनता बिहार से यहाँ काम करने आ रही है, रोजगार होता तो बिहार में देते ना, तो दुनिया के बिहारी आगे बड़े होते। एक बात आऊँ, बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, क्या लग रहा है ये विपक्ष एकजुट होगा? ये जितने भी है ना, ये सारे मिल के आ जावे, इनमें कुछ नहीं कर सकते। अगली जन जो पिछला जो फेरा आया था, एकदम से ये लहर आई थी, कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये क्या करेंगे? आंसर तो देखो आपको ही पता है, लेकिन आपका काम है क्वेश्चन पूछना, हमारा काम है जवाब देना। तो मोदी आएगा और मोदी है और आने वाले टाइम में मोदी रहेगा। जनता तो परेशान है, कह रही है कांग्रेस के राज में तमाम नहीं है वो। एक मिनट, जनता नहीं है वो, जनता नहीं है, जनता तो ये खड़ी है, आपको सवाल नजर आ रहे हैं, वो विपक्ष पार्टी के खड़े करे हुए मुद्दे हैं, समझ रहे हो? जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारा गलत हो रहा है, वो विपक्ष पार्टी के खड़े हुए मुद्दे हैं। जो ओरिजिनल आदमी होगा, हिंदू का सच्चा आदमी होगा, वो मोदी को ही चुनेगा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र एक दिन लाकर रहेगा। यूसीसी अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं होना चाहिए, यूसीसी बीसीसी कुछ भी आ जाए कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि वो बंदा पहले शेर है और शेर था शेर रहेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जहाँ एकजुट हो रहा है, वो ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं जितना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खटक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये कहने को तो 36 मुंह 36 बातें, वो तो हमारा भरोसा तो एक ही रहेगा ना, किसी की बातों में आगे में हम बैग जाए वो हमारा काम नहीं है, ये वाली बात है। मोदी को टक्कर कौन देगा? मोदी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, टक्कर वो पहले देके चला गया। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे कौन देगा, अभी तो कोई है नहीं, अभी कोई नहीं है, आने वाले 10 सालों में कोई नहीं है। अच्छा, इस बीच अगर मोदी जी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनते हैं तो किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम तो मोदी योगी मोदी के बाद दूसरा नंबर अगर कोई खड़ा होता है तो वो योगी है। अच्छा, योगी जी के बारे में कहा जाता है कि जब से योगी जी आए हैं तब से पुलिस वालों को अपने कब्जे में कर लिए हैं, तानाशाही सरकार चला रहे हैं। पुलिस वालों को कब्जे में नहीं गया, जो भ्रष्टाचारी थे ना वो उनको अपने कब्जे में लेके उनका चेहरा देख रही है कि क्या करना चाहते हैं। तो अब उनका आप देख सकते हो यूपी प्रशासन क्या है। जब से बीजेपी आई है तब से देश का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है दलितों जैसी जिंदगी। ये तो जी मैं बताऊँ, ये तो सब जातिवादी वाली बातें हैं, और जो जातिवादी वाली करता है ना, चाहे मोदी आ जाए चाहे भगवान श्री राम क्यों ना खड़े हो जाए, वो उनको भी गलत बता देंगे। एक तो विपक्षी जो है, विपक्षी के अंदर एकता नहीं है, एक में फूटे दूसरे में फूटे, एक दूसरे की सुनता नहीं है, पब्लिक के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। सेकेंड थिंग, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए इंटरनेशनल लेवल पर मोदी ने, जो शायद अभी तक देश जब से आज़ाद हुआ है किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने नहीं किए हैं काम, जैसे कि ऐसे किए जैसे कि विदेशों में जो हमारी छवि थी उसको उन्होंने अच्छा किया है, विदेश का दौरा करके हमारी इकोनॉमी थी उसका भी और सही ढंग से लेके आए हैं, हमारे देश को पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया हमारे देश को कि आज कोई भी देश हमारे देश पर बुरी नगाह देखने की चेष्टा नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो।
बढ़ेगा कोई भी देश हो। उससे जनता का क्या फायदा? कहते हैं अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने देश को नहीं संभाल पा रहे, बाहर जाके दंगा पीट रहे हैं। मैडम ये तो विपक्ष का है ना, ये तो विपक्ष करेगा ही। आज बीजेपी अगर बेदखल हो जाती है सत्ता में से, कांग्रेस या अदर पार्टी कोई भी आ जाती है तो वो कमियां निकालेंगे। तो विपक्ष का तो काम है कमी निकालना, वो तो कमी निकालेगा ही। विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा मैडम, कभी नहीं हो पाएगा।